हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका पहनावा बहुत अच्छा है, आपके रहने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका रहन सहन बहुत अच्छा हो सकता है, या आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या आपका तरीका ऐसा है बात करने का, काम करने का, कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी आपसे दूर नहीं भागता। एक बार अगर आपसे कोई इंसान मिल लेता है, आपसे बातें कर लेता है, तो फिर वो आपका ही हो जाता है, वो आपसे दूर होने के बारे में फिर नहीं सोचता। तो वैसा ही आपके पर्सन के साथ भी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके इन्हीं जो ये आपका रहन सहन है, आपका पहनावा है, आपके बात करने का तरीका है, आपके काम करने का जो तरीका है, पूरी लगन और मेहनत से जो आप काम करते हैं, इन्हीं सब कारणों से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ भी वो करते हैं। अगर आपके दोस्तों को आपके बारे में पता है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं और भी कोई भी इंसान ऐसा जो आप दोनों के बारे में जानता है, तो उनसे जब भी आपके पर्सन बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करते हैं। आपके बारे में कुछ भी वो निगेटिव ना सोचते ना बोलते, और ना ही कभी आपको बुरा कहा उन्होंने। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पर्सन। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर है जो आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काती है। अगर वो थर्ड पार्टी आपको जानती है, तो आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काती भी है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर उनकी वाइफ हो सकती हैं, या उनकी कोई माँ, या उनकी कोई बहन, कोई ना कोई तो तीसरा इंसान यहाँ पर है, और वो फीमेल फिगर है जो आपके खिलाफ़ आपके पर्सन को भड़काता है। और इस फीमेल फिगर के भड़काने की वजह से आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप हो तो देखने में सुंदर हो, बातें अच्छी करते हो, आपका काम अच्छा है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप माइंड गेम खेलते हो, ये आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ भड़का रही है। ऐसा भी है, इस वजह से आपके पर्सन को यही लगता है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेलते हो, आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, ऐसा उन्हें लगता है। और देखिए, आपके पर्सन ने ये तो बहुत ज़्यादा सोचा था कि आपकी तरफ उन्हें बढ़ना है, अब आप दोनों के बीच जो नो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म करना है, आपसे बातचीत शुरू करनी है, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, बहुत कुछ सोचा था आपके पर्सन ने। लेकिन जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भड़काया है आपके खिलाफ़, तो इस वजह से अभी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगता है कि अभी आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं होगा, या उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेलते हो, और आप अब कोई इस रिश्ते में अब आप कोई कोशिश नहीं कर रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। पहले तो बहुत सारी कोशिशें आपने की थी कि रिश्ता जब था, आप दोनों का साथ में आप दोनों थे, तो आप चाहते थे कि ये रिश्ता बचा रहे। तो आपको जब प्रॉब्लम नज़र आई इस रिश्ते में, तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, लेकिन अब आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आपके पर्सन को भी अब ये लगता है कि अभी आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं होगा। इस वजह से अभी तक उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, जबकि वो चाहते थे आपसे कांटेक्ट करना, आपके साथ रिश्ता दोबारा से ठीक करना। लेकिन थर्ड पार्टी के भड़काने की वजह से ही आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में दिखाई देते हैं। क्या करना है क्या नहीं, अभी वो समझ नहीं पा रहे। आपके पर्सन का पहले काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ था, आप काफ़ी ज़्यादा आप में वो इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अभी उनका इंटरेस्ट कम इसी वजह से हुआ है क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी उन्हें भड़काया है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे भी तो आप उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी उन्हें लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप उनको ये लग रहा है कि आप माइंड गेम खेलते हो, आप उनके साथ लॉयल नहीं रहोगे, ये भी उन्हें लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अब जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर मेहनत करके कोशिश करके फ़ायदा क्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, वो झुकना नहीं चाहते। गलती उनकी थी, पास्ट में गलतियाँ करके वो खुद गए हैं, रिश्ता ख़राब उनकी वजह से हुआ है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते। और आपको भी ये समझ में आता होगा गाइस कि आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी वो आपसे
खुद को दूर रख रहे हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते थे लेकिन अभी थर्ड पार्टी की बातें उन्होंने सुन ली तो उनका दिमाग वैसे ही कह दीजिए कि ठिकाने पर नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी की बातें उनके दिमाग में चलती है और उन्होंने आपके पर्सन को आपके खिलाफ़ भड़का तो दिया है और नेगेटिव बातें उनके दिमाग में भरी हैं जो आपके पर्सन को सही लग रही हैं। उनको भी यही लगता है कि आप वैसे ही हो जैसा थर्ड पार्टी ने कहा है, तो वो इंसान अभी आपसे दूरी बनाकर रख रहा है। वो चाहता है आपसे बात करना, देखिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते आपसे बात करना, वो चाहते हैं लेकिन फिर भी अभी फिर भी आपके पर्सन ने खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इंसान उसी के बारे में सोचता है गाइस जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है, भले वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है तभी तो आपके बारे में सोच रहा है, नहीं तो कोई भी इंसान हमारे बारे में क्यों सोचेगा। जब वो हमें पसंद ही नहीं करेगा, हमसे उसको कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर हमारे बारे में वो क्यों सोचेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की बातों को भी सुन लिया है उन्होंने और दूसरी तरफ उन्हें भी ये लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्यों अभी मैं कोई मेहनत करूं, क्यों कोई कोशिश करूं। और उनको ये भी डर है कि आप तो उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं, और फिर वो अपनी इंसल्ट से भी डरते हैं, उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं और अगर आप मना कर दिए, अब अगर आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे तो ये उनकी इंसल्ट है और वो ये नहीं चाहते। और देखिए गाइस आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ भी जाते हैं तो इससे उनका नुकसान भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो ये आपके पर्सन को लगता है, तो आप उनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ऐसा उनको लगता है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो हो सकता है उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के साथ। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इसमें उनका नुकसान भी है, क्योंकि आपकी वजह से उनके रिश्ते ख़राब होंगे जिन लोगों के साथ अभी वो हैं उनके साथ। तो इस वजह से भी वो यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना ही सही है, जो है जैसा है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात है आपके आप में इंटरेस्टेड हैं आपके पर्सन पर वो दिखाते नहीं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी सोचते हैं अगर कॉन्टैक्ट करने का तो दूसरे ही पल उनको थर्ड पार्टी की बातें याद आती हैं और उनको ये लगता है कि नहीं आपके साथ अगर रिश्ता आगे ले जाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इससे अच्छा है कि आपसे दूर रहें। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिसकी वजह से भी उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ेंगे भी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस सोचने की ही वजह से सारा मामला बिगड़ा हुआ है गाइस, ऐसा भी है। अगर आपके पर्सन सोचने के बजाय एक्शन लेते तो अभी तक उनको समझ में आ जाता कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन एक्शन लेने के बजाय खुद ही अपने मन में ही और थर्ड पार्टी की जो सुन रहे हैं ये गलत वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही अभी तक वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करे, आपकी तरफ बढ़े भी नहीं है। तो समझ गए गाइस, ये बात तो हुई अभी करंट एनर्जी की, अब चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ऐसा है गाइस कि आप दोनों की मुलाकात तो होगी, आप दोनों की बातचीत तो होगी, ऐसा है, और तभी सारी बातें क्लियर होंगी। आपके पर्सन भी आपसे जब बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सुना है आपके बारे में, उन्हें क्या क्या बताया गया है, तो फिर आप जब अपनी बात रखेंगे तब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि जो कुछ वो सोच रहे हैं या जो कुछ तीसरे इंसान ने उन्हें उनसे कहा है वो सारी बातें झूठ हैं, वो सारी बातें गलत हैं, सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि आपके पर्सन को ये बात तब समझ में आएगी कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, आप भी आज भी आप उनको मौका देना चाहते हो, ये बात तब आपके पर्सन को समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका कांटेक्ट होगा किसी न किसी तरह से। आप अपने पर्सन से चाहे कहीं पर मिल भी सकते हो, ये भी हो सकता है कि अचानक आप दोनों की मुलाकात हो, या किसी भी तरह आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट ही कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या आप ही उनसे कांटेक्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि आपकी बातचीत होगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और तभी सारी बातें क्लियर होंगी और आपके पर्सन को सच्चाई समझ में आएगी कि जो कुछ भी उन्हें बताया गया है, आपके खिलाफ भड़काया गया है, वो सारी बातें गलत है, झूठ हैं।
और आपको गाइस जस्टिस मिलने वाला है ऐसा भी है, इसलिए आपको परेशान रहने की भी ज़रूरत नहीं है या और कहीं ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। और देखिए गाइस इन सब में 4 से 5 महीने का समय और लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होगा। और इन सब के बाद ही गाइस आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत भी समझ में आएगी कि थर्ड पार्टी कैसी है, कि उनकी बातें कितनी सच हैं, ये सब कुछ आपके पर्सन को समझ में आएगा। और उसी इन सब के बाद ही आपके पर्सन आप खुद देखेंगे कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और देखिए गाइस अभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन बस वही है कि दूसरों की बातों में आकर वो उलझे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ये बात अभी वो समझ नहीं पा रहे और ख़ुद को रोक कर रख रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आएगी और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि आप जैसे थे वैसे ही हो, आप में कोई बदलाव नहीं आया है, आपके खिलाफ उन्हें भड़काया गया है, ये बात आपके पर्सन समझ पाएंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ऐसा भी है क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद के काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।